तो दोस्तों, घर तो आपने काफी सारे देखे होंगे, पर एसएस होम्स आज आप सबके लिए लेके आए एक 6 BHK की कोठी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम आपके लिए लेके आए एक लग्जरी 6 BHK की कोठी। बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन रहेगी हमारी सीकर रोड। मेन रोड से मात्र 150 से 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगी ये प्यारी सी कोठी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे फ्रंट एलिवेशन से। तो आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल आपको यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन मिल रहा है। अगर कॉलोनी की बात करें तो प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आपकी ये कोठी लोकेटेड है। तो आप देख सकते हैं आसपास का नजारा। अगर बम एरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी हाइट में बम एरिया मिल रहा है। गेट्स की बात करें तो फोल्डेबल गेट्स मिल रहे हैं आपको। देख सकते हैं आप, काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आपको यहाँ पर गेट्स मिल जाएंगे। एंड अगर हम पार्किंग की बात करें तो इजिली आपकी 4x4 कार इजिली पार्क हो पाएगी। आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल स्पेस आपको यहाँ मिल रहा है। पार्किंग की बात करें तो अच्छे स्पेशियस साइज में पार्किंग को डिजाइन करा गया है। अपर वॉल पे वुडन वर्क मिल जाएगा, प्लस आपको LED कॉप्स की फिटिंग मिल जाएगी दोस्तों। साथ ही आपको ये एक गैलरी एरिया दिया गया है। यहाँ पर आप चाहे तो अपने ग्रीनरी मेंटेन कर सकते हैं या आप यहाँ पर इजिली एक स्विंग लगा सकते हैं। एंट्री हमारी रहेगी दोस्तों इस तरफ से, आप देख सकते हैं। तो एंट्री से पहले एक बार मैं आपको गेट का डिजाइन दिखा देती हूँ। काफी ब्यूटीफुल डिजाइन आपको यहाँ मिल रहा है। वुडन का गेट मिल जाएगा आपको। एंड ये रहेगा हमारा एक गेस्ट एरिया, काफी ब्यूटीफुल गेस्ट एरिया यहाँ पर आपको डिजाइन करके दिया गया है। 10 सीटर सोफाज के साथ बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ आपको मिल जाएगा। इंटीरियर डिजाइन की बात करूं तो ब्यूटीफुल इंटीरियर वर्क मिल जाएगा बैक वॉल पर। अपर वॉल पे फॉल सीलिंग वर्क मिल जाएगा LED कॉप्स की फिटिंग के साथ। एंड ये रहेगा हमारा एक लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। देख सकते हैं आप, काफी ब्यूटीफुल आपको लिविंग डाइनिंग एरिया मिल रहा है। यहाँ पर 7 सीटर सोफाज इंस्टॉल है। देन उसके बाद भी काफी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। इंटीरियर वर्क की बात करूं, वुडन का वर्क मिल जाएगा आपको काफी ब्यूटीफुल। साथ ही यहाँ रहेगा आपका एक LED पैनल, काफी ब्यूटीफुल वर्क के साथ आपको LED पैनल मिल जाएगा। डाइनिंग एरिया की बात करूं तो यहाँ पर 6 सीटर डाइनिंग एरिया आपको मिल जाएगा। एंड इंटीरियर डिजाइन तो आप देख ही सकते हैं, पूरी कोठी के अंदर इंटीरियर डिजाइन काफी ब्यूटीफुल करके आपको यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं आप, काफी ब्यूटीफुल डिजाइन मिल जाएगा, प्लस आपको लाइट्स की यहाँ पर फिटिंग करके दी गई है। साथ ही दोस्तों, अगर वॉश बेसिन की बात करें तो टेबल टॉप वॉश बेसिन मिल जाएगा ओवल डिजाइन के अंदर। मिरर आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिया गया है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं हमारा मंदिर एरिया। तो आइए एक बार मैं मंदिर एरिया दिखा देती हूँ आपको। तो काफी ब्यूटीफुल मंदिर एरिया मिल जाएगा आपको, काफी ब्यूटीफुल आपका टेम्पल डिजाइन मिल जाएगा। काफी एलिगेंट लग रहा है, काफी सिंपल एंड सोबर लग रहा है। एंड यहाँ रहेगी हमारी किचन। किचन की एंट्री से पहले एक बार मैं आपको पार्टीशन दिखा देती हूँ। वुडन का पार्टीशन मिल रहा है, काफी ब्यूटीफुल पार्टीशन करके दिया गया है। तो दोस्तों, किचन की अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छे स्पेशियस साइज में हमें किचन मिल जाएगी। 10 लोग इजिली यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, इतना अच्छा स्पेस हमें यहाँ मिल रहा है। टाइल्स की बात करूँ तो कजारिया टाइल्स का वर्क मिल जाएगा आपको पूरा पूरे विला के अंदर। साथ ही यहाँ पर हॉब इंस्टॉल करके दिया गया है आपको। चिमनी आपको मिल जाएगी, 2 विंडो प्रोवाइड है फॉर दी वेंटिलेशन पर्पस, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर सॉफ्ट क्लोजर के साथ ड्रॉर्स मिल जाएंगे। कैबिनेट्स आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक कैबिनेट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। सिंक एरिया की बात करूँ तो जैगवार की फिटिंग्स मिल जाएगी, प्लस आपको गीजर इंस्टॉल करके दिया गया है यहाँ पर। साथ ही दोस्तों, यहाँ मिल जाएगा आपको माइक्रोवेव ओवन, प्लस आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा एक डिश वॉशर, देख सकते हैं आप। साथ ही हमें मिल जाएगा यहाँ पर डबल डोर का फ्रिज, तो एक बार देख सकते हैं, काफी अच्छा स्पेस मिल जाएगा हमें। तो दोस्तों, लिविंग एरिया का तो अब हमने टूर कर ही लिया है। आई होप आप सबको लिविंग एरिया काफी अच्छा लगा हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारी जो ये कोठी है ये कितने स्क्वायर यार्ड में बनी हुई है, साथ ही इसका क्या साइज है, एंड ये JDA है या सोसाइटी है। काफी सारे क्वेश्चन अभी आप सबके मन में आ रहे होंगे, तो मैं आप सबको बता देती हूँ। हमारी ये कोठी पूरी 200 गज के अंदर बनी हुई है, यानी कि 200 स्क्वायर यार्ड में पूरी हमारी कोठी बनी गई है। दोस्तों, डायमेंशन की अगर हम बात करें तो
30/60 यानी कि 30/60 का हमारा पूरा डायमेंशन रहेगा इस लग्जरी कोठी का। JD अप्रूव्ड हमारी ये कोठी आज की रहेगी। साथ ही दोस्तों वाटर एंड सीवरेज से रिलेटेड सारे फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आपका विला लोकेटेड है। तो आइए अब करते हैं हमारे पूरे विला का टूर। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम। तो दोस्तों जैसे ही हम एंट्री लेंगे यहाँ से, हमें यहाँ मिलेगा हमारा वॉशरूम एरिया। दोस्तों ये रहेगा हमारा ड्रेसिंग एरिया, आप देख सकते हैं अच्छे स्पेस में हमें मिल जाएगा। वार्डरोब की बात करें तो फुल स्पेस की वार्डरोब मिल जाएगी आपको यहाँ पर, काफी अच्छे स्पेस मिल जाएगा वार्डरोब में। वुडन की वार्डरोब आपको यहाँ पर लगा के दी गई है दोस्तों। मिरर आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके दिया गया है। काफी सारे वार्डरोब मिल जाएंगे आपके, जो भी एसेसरीज या मेकअप प्रोडक्ट्स आप इजीली यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये रहेगा आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम। बेड की बात करें किंग साइज का बेड इंस्टॉल है। इंटीरियर वर्क मिल जाएगा आपको बैक साइड में, काफी प्यारा वुडन का। विंडो आपको प्रोवाइड करके दी गई है फॉर द वेंटिलेशन पर्पस। एंड यहाँ रहेगा आपका एक LED पैनल एरिया, आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल LED पैनल एरिया मिल रहा है आपको यहाँ पर। अपर वॉल पे फॉल सीलिंग वर्क मिल जाएगा, साथ ही आपको LED कॉप्स की फिटिंग करके दी गई है। लैंप्स आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल लैंप आपको लगा के दी गई है। AC का भी सेपरेट एरिया मिल जाएगा दोस्तों। तो आइए अब टूर करते हैं हमारे सेकंड बेडरूम का। तो दोस्तों सेकंड बेडरूम का टूर करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कॉमन वॉशरूम एरिया। आप देख सकते हैं अच्छे स्पेस में आपको यहाँ मिल रहा है। इटालियन टाइल्स का वर्क मिल जाएगा, प्लस आपको जैगवार की फिटिंग्स यहाँ पर करके दी गई है। तो दोस्तों ये रहेगा सेकंड बेडरूम, काफी ब्यूटीफुल स्पेस के साथ सेकंड बेडरूम हमें मिल रहा है। इंटीरियर डिजाइन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों ये रहेगा LED पैनल एरिया, काफी ब्यूटीफुल LED पैनल एरिया मिल जाएगा ग्रे कलर की थीम पे। एंड यहाँ पर भी हमें मिल रहा है एक ड्रेसिंग एरिया, तो आप देख सकते हैं ये हमारा ड्रेसिंग एरिया रहेगा। तो दोस्तों यहाँ रहेगी वार्डरोब, काफी ब्यूटीफुल स्पेस मिल जाएगा हमें वार्डरोब में भी। साथ ही दोस्तों इस तरफ रहेगा एक बैकयार्ड एरिया। इस एरिया को दोस्तों आप जब यूज कर सकते हैं, जब आपके घर में ज्यादा गेस्ट आ जाए, ज्यादा बर्तन हो जाए धोने के लिए, या जो भी आपका एक्स्ट्रा सामान हो वो आप यहाँ पर इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने फाइनली कर लिया हमारे ग्राउंड फ्लोर का टूर। ग्राउंड फ्लोर पे हमने काफी चीजें एक्सप्लोर करी। यहाँ पर हमने लिविंग एंड डाइनिंग एरिया देखा हमारा, हमारे जो बाकी के टू रूम्स थे वो हमने यहाँ पर टूर करे। साथ ही हमने हमारा मंदिर एरिया देखा, हमने किचन का टूर करा। तो अब टूर करते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर का, जहाँ पे हमें बाकी की अदर चीजें मिलेंगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर आपको शैंडलियर भी लगा के दी गई है, काफी ब्यूटीफुल शैंडलियर मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा फर्स्ट फ्लोर का एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक मिनी लिविंग एरिया मिल रहा है। सोफाज आपको यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिए गए हैं, फॉल सीलिंग वर्क मिल जाएगी LED कॉप्स की फिटिंग के साथ। एंड ये रहेगा हमारा थर्ड बेडरूम एरिया, आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल स्पेस मिल रहा है यहाँ पर भी आपको, काफी प्यारे स्पेस है यहाँ पर। आपके किंग साइज के बेड के बाद भी काफी अच्छा स्पेस हमें यहाँ मिल जाएगा। LED पैनल आपको यहाँ लगा के दिया गया है, फॉल सीलिंग मिल जाएगी आपको। एंड इंटीरियर डिजाइन का वर्क आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा एक प्यारा सा स्पेस, अलग से स्पेस मिल जाएगा हमें। इस स्पेस को आप चाहे अपने मल्टीपर्पज यूज के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ पर चाहें तो आपके वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप चाहें तो कुछ भी अदर एक्टिविटीज के लिए इस स्पेस को यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको ऊपर की तरफ एक वेंटिलेशन एरिया दिया गया है, प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ से आपको मिलता रहेगा, सफोकेटेड आप बिल्कुल नहीं होने वाले। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा फोर्थ बेडरूम, काफी लग्जरी डिजाइन में आपको मिल जाएगा आपका फोर्थ बेडरूम। आप देख सकते हैं किंग साइज का बेड है, आपको बैक वॉल पे इंटीरियर डिजाइन मिल जाएगा, अपर वॉल पे फॉल सीलिंग वर्क मिल जाएगा। LED पैनल की बात करूं तो काफी ब्यूटीफुल LED पैनल आपको मिल जाएगा यहाँ पर ग्रे की थीम पर। एंड ऑल्सो आपको वार्डरोब भी यहाँ पर इंस्टॉल करके दी गई है, स्लाइडिंग वार्डरोब रहेंगी देख सकते हैं आप सॉफ्ट क्लोजर के साथ। एंड ये रहेगा हमारा एक ड्रेसिंग एरिया, काफी प्यारा ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाएगा यहाँ पर, मिरर आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपके फोर्थ बेडरूम में मिल जाएगा आपको एक अटैच वॉशरूम, इटालियन टाइल्स का वर्क मिल जाएगा, वेंटिलेशन एरिया आपको प्रोवाइड करके दिया गया है।
एंड हमारे फोर्थ बेडरूम के अटैचमेंट रहेगी बैल्कनी एरिया। तो एक बार आइए बैल्कनी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा बैल्कनी एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिफ्थ बेडरूम से भी आपके बैल्कनी को एंट्री मिल जाएगी, साथ ही फोर्थ बेडरूम से भी रहेगी। फ्लोरिंग की अगर हम बात करें तो वुडन टच में हमें यहाँ पर टाइल्स मिल जाएंगी, अपर वॉल पे वुडन वर्क मिल जाएगा, LED कॉप्स की फिटिंग मिल जाएगी, ऑल्सो यहाँ पर आपको थिम लाइट मिल जाएगी, नाइट में काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देगा। एंड अगर रेलिंग्स की बात करें तो टफल ग्लासेस का वर्क के साथ आपको रेलिंग्स मिल जाएगी, यहाँ पर रॉयल वर्क करके दिया गया है। एंड साथ ही जैसे मैंने कहा था एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आपकी ये प्यारी सी कोठी रहने वाली है, तो आप आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। फ्रंट में 30 फीट की रोड मिल जाएगी। एक अच्छी खासी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आपकी ये प्यारी सी कोठी रहने वाली है दोस्तों। तो आइए अब टूर करते हैं हमारे फिफ्थ बेडरूम का। तो ये रहेगा हमारा फिफ्थ बेडरूम, काफ़ी ब्यूटीफुल लुक के साथ हमें फिफ्थ बेडरूम मिल जाएगा। यहाँ पर किंग साइज का बेड इंस्टॉल करके दिया गया है। यहाँ पर बैक वॉल पे आपको इंटीरियर डिजाइन मिल जाएगा, अपर वॉल पे फॉल सीलिंग वर्क मिल जाएगा LED कॉप्स की फिटिंग के साथ। एंड ये रहेगा हमारा एक LED पैनल, काफी ब्यूटीफुल LED पैनल मिल जाएगा हमें काफी ब्यूटीफुल वर्क के साथ। एंड ये रहेगा हमारा एक ड्रेसिंग एरिया, काफी अच्छे स्पेस के साथ हमें ड्रेसिंग एरिया मिल जाएगा। एंड हमारे फिफ्थ बेडरूम के अटैच में मिल जाएगा हमें एक वॉशरूम एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छे स्पेस हमें मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा था जैगवार के फिटिंग्स मिल जाएंगी आपको टैप्स के अंदर, एंड इटालियन टाइल्स का यहाँ पर वर्क मिल जाएगा आप। तो दोस्तों अब देख लेते हैं एक बार बैल्कनी एरिया। जैसे कि मैंने दिखाया ही था आपको फोर्थ बेडरूम से हमारी ये जो बैल्कनी है अटैच में रहेगी, तो यहाँ से भी हमें एक एंट्री मिल जाएगी हमारे बैल्कनी की। तो दोस्तों अब रह गया हमारा सिक्स बेडरूम, तो आइए उसका भी टूर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं शैंडलियर मिल जाएगी आपको अपर वॉल पे, साथ ही फॉल सीलिंग वर्क मिल जाएगा, LED कॉप्स की फिटिंग आपको यहाँ पर करके दी गई है। काफी ब्यूटीफुल लुक आ रहा है आपकी इस कोठी का, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा सिक्स एंड लास्ट बेडरूम इस प्यारी सी कोठी का, ये आखिरी बेडरूम है आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वर्क अभी बाकी है तो उस चीज को आप इग्नोर करिएगा, बाकी आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग वर्क मिल जाएगा LED कॉप्स की फिटिंग के साथ, साथ ही ये रहेगा एक आपका ड्रेसिंग एरिया। साथ ही यहाँ रहेगा एक कॉमन वॉशरूम एरिया। तो दोस्तों यहाँ रहेगी हमारी बैल्कनी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ हमारा जो ये रूम है ये एक ऑप्शनल रूम है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। फिर लंबी टेरेस एरिया हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये शानदार सी कोठी? आई होप आप सबको आज की ये प्यारी सी कोठी अच्छी लगी हो। तो अब बात कर लेते हैं प्राइस की। प्राइस से पहले एक बार मैं वापस से आप सबको रिमेम्बर करवा देती हूँ, हमारी जो ये कोठी है ये एक JD अप्रूव कोठी है। लोकेशन हमारी सीकर रोड रहेगी। सीकर रोड से डिस्टेंस की बात करें तो मात्र 150 से 200 मीटर के डिस्टेंस पे हमारी ये कोठी रहने वाली है। 6 BHK के अंदर पूरी कोठी को डिज़ाइन करा गया है, काफ़ी ब्यूटीफुल इंटीरियर डिज़ाइन मिल जाएगा आपको, साथ ही फुल्ली फर्निश्ड हमारी ये कोठी रहने वाली है। तो अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस रहेगी इस कोठी की 2,65,00,000 रुपये। बिल्कुल सही सुना आपने, 2,65,00,000 की हमारी ये प्यारी सी कोठी रहने वाली है। बाकी अदर डिटेल्स के लिए हमारे नंबर तो स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे आपको, आप हमसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आज की ये प्यारी सी कोठी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आज की प्रॉपर्टी आपको कैसी लगी। बाकी मैं स्नेहा शर्मा मिलती हूँ एक अगले नए प्रोजेक्ट के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।